सो नाओ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर बट बिफोर डूइंग दिस पॉज दिस वीडियो हेयर एंड डू क्वेश्चन नंबर थ्री अदर टू पार्ट दोज आर बी पार्ट एंड सी पार्ट बाय योर सेल्फ यू कैन डू ऑल दी क्वेश्चन इन द बुक ओनली बिकॉज बुक में इतना स्पेस है कि आप कर सकते हो लेकिन आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है ठीक है सो नाओ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फ़ोर क्वेश्चन नंबर फोर में आप हम क्या करेंगे हमें रेज़ फाइंड आउट करनी है इसमें इस फिगर के अंदर हमें जितनी रेज नज़र आ रही है उन सब के हमें नेम्स लिखने हैं ठीक है अगर मैं इसको यहाँ से लेके कर यहाँ तक देखूँ तो इज़ इट अ रे नहीं ये रे नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज यहाँ पे भी एरो है इसका मतलब ये तो यहाँ पे भी एंड नहीं हो रही यहाँ पे भी एरो है इसका मतलब ये यहाँ पे भी एंड नहीं हो रही ये तो चलती जा रही है दोनों एंड से तो ये तो लाइन है रे तो नहीं है रे क्या होती है जिसका वन एंड पॉइंट होता है ठीक है तो वॉट वी कैन डू हम ओ से स्टार्ट कर सकते क्योंकि ओ तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना ठीक है हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ओ से स्टार्ट किया एंड हम ए तक चले गए और ये लाइन चलती जा रही है चलती जा रही है सो वट वट इज़ दिस इट इज़ अ रे सो आई कैन से ओके देयर इज वन रे दैट इज ओ ए एंड बिकॉज ओ ए जो है वो लाइन भी हो सकती है लाइन सेगमेंट भी हो सकती है वो रे भी है तो मुझे रे के लिए स्पेसिफिकली ओ ए के ऊपर इस तरीके से एरो ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है लेट्स कम टू वन मोर पार्ट सिमिलरली मैं ओ एस भी एक रे बोल सकती हूँ बिकॉज ओ एक स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होके ये एस से होकर पूरा आगे तक जा रही है एरो है ना दे इज नो स्टॉप तो इसका मतलब ओ एस भी एक रे है सो आई कैन नेम दिस एज वेल ठीक है कमिंग टू वन मोर पार्ट दैट इज ओ एम ओ से स्टार्ट हुआ स्पेसिफिक पॉइंट एंड एम से आगे 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 चलता जाएगा बिकॉज देर इज एन एरो सो आई कैन से ओके दिस इज ऑल्सो आ रे ओ एम ठीक है सो सिमिलरली दे आर सो मैनी रेज ओ वाई ओ टी ओ बी ओ जी ओ सी सो दिज आर द रेज अब आपको क्या करना है यू विल स्टॉप दिस वीडियो है पॉज दिस वीडियो है एंड वॉट यू विल डू यू विल जस्ट राइट द नेम्स ऑफ अदर फाइव रेज ये थ्री फाइव रेज के नेम्स मैंने लिख दिए हैं आपको ये नहीं लिखने हैं आपको जो बची हुई फाइव रेज हैं उनके नेम्स लिखने हैं सो नाउ जस्ट टू दिस क्वेश्चन कम टू द लास्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन दैट इज पेज नंबर नाइन्टी थ्री ठीक है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं अगेन आ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन इन द बुक ओनली बिकॉज देर इज़ इनफ स्पेस फॉर यू यू कैन राइट द थिंग्स आंसर्स सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ फर्स्ट पार्ट क्या है अ पॉइंट शोज एंड डैश पोजिशन अभी अभी हमने पढ़ा है कि पॉइंट जो होता है वो किसी की भी एक एग्जैक्ट पोजिशन को हमें बताता है सो वॉट वी कैन राइट हेयर एग्जैक्ट पोजिशन ठीक है कमिंग टू द बी पार्ट द लाइन सेगमेंट एम एन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बिकॉज़ लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट मतलब इसका दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं तो द स्पेसिफिक लेंथ जिसकी होती है ठीक है तो टू एंड पॉइंट्स होंगे तो हम लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम एन और उसके ऊपर एक इसी तरीके की हम जैसा हमारा ब्लैंक है ना जिस शेप में उसी शेप में हम एक लाइन एम एन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस ए बी दिख रहा है आपको ए बी के ऊपर ये लाइन है इसी तरीके से अगर एम एन लाइन सेगमेंट है तो हम एम एन के ऊपर इसी तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आर लाइन सेगमेंट ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स एक लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन क्या होती है लाइन इज समथिंग जिसका ना तो कोई स्टार्ट होता है ना कोई उसका एंड होता है वो कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है हमें नहीं पता होता इट मीन्स इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं नेक्स्ट कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट्स दैट इज़ द डी पार्ट अ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट इसका भी अभी हमने पढ़ा है सन रे का हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि रे जो होती है उसका वन स्पेसिफिक ईच एंड पॉइंट होता है ठीक है जो सेकेंड होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है वो चलती जाती है वहाँ से सो वी कैन से अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ठीक है नेक्स्ट इज इन शॉर्ट अ रे एक्स वाई इज़ रिटन एज़ बिकज़ रे का मतलब एक जगह से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है उसका नहीं पता होता सो हाओ वी कैन रिप्रजेंट दिस एक्स वाई एक्स वाई के ऊपर हम एक एरो ड्रॉ कर देंगे हाओ वी विल ड्रॉ दी एरोट मी शो यू दिस इज हाओ वी विल ड्रॉ दी एरो कैन सी है ए बी एंड उसके ऊपर एक एरो ड्रा है हमारा इस तरीके से ठीक है ए बी के ऊपर हमने एरो ड्रॉ करना है सो so, अगर आपके पास लाइन सेगमेंट एक्स वाई है तो आपको एक्स वाई के ऊपर उसी तरीके से एरो ड्रॉ करना है दैट विल बी योर रे कमिंग टू दी एफ पार्ट अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो डैश बट अ डेफिनेट डैश अभी हमने कुछ देर पहले किया था कि लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी कोई विथ नहीं होती है है ना हमने एक बॉक्स भी बनाया था और हमने बोला कि वो बॉक्स में तो कोई हमारे पास उसकी विथ है तो हम उसको लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं सो वी विल से नो विथ विथ मीन्स ब्रेथ भी बोलते हैं हम उसको विथ और ब्रेथ ठीक है बी आर ई ए डी टी एच ब्रेथ कोई नहीं होती है लेकिन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ लाइन सेगमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेट लेंथ ज़रूर होती है ठीक है सो नाउ यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चन्स इन योर बुक ओनली बट डू नीट एंड क्लीन वर्क बिकॉज जब आप बुक में क्वेश्चन करते हो इट सीम्स कि आप वहाँ पे नीट एंड क्लीन वर्क नहीं कर रहे हो बुक पे बहुत अच्छे से तरीके से आप उसको करोगे नीट एंड क्लीन वर्क करोगे सो नाउ स्टॉप द वीडियो एंड डू दोज क्वेश्चन